Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो डियर ऑल, हियर वी आर बैक अगेन विद अवर चैप्टर नंबर 3, वर्कशीट नंबर 1, पेज नंबर 62. Chapter 3, Subtraction. In the previous days, we have completed our chapter number 3, all exercises. And yesterday, we have completed mental maths. This is the page number 61. And I have given you homework to do worksheet 1. I hope आप सबने worksheet 1 कर ली होगी, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि जिन्होंने नहीं की, तो वो method कैसे करना है. फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. आपने पूरा चैप्टर सब्ट्रैक्शन का ही किया है, तो आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से आता ही होगा. सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यूज लिख दी हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. उसके बाद हर प्लेस वैल्यू के नीचे वो डिजिट्स लिख दिए हैं. तो सिंपल माइनस करना है. फर्स्ट वन प्लेस में से क्या है, वन में से थ्री तो जाएंगे नहीं, तो क्या होगा, वन को काट के क्या लिखेंगे, इलेवन लिखेंगे. तो वन को काट के हमने लिख दिया इलेवन, और साथ वाले से सेवन को काट के लिख दिया एक नंबर छोटा सिक्स, कैरी लिया. इलेवन में से थ्री गए, कितने बचे, इलेवन, टेन एंड नाइन, एट बच गया. फिर सिक्स में से एट तो जाएंगे नहीं, तो सिक्स को काट के क्या लिखेंगे, सिक्सटीन, और साथ वाले को काट के कर देंगे एक नंबर माइनस. तो सिक्सटीन में से एट गए तो कितने बचे, एट. फिर से वन में से वन गए, ज़ीरो. सिक्स में से फोर गए, टू. तो ये तो आप लोगों को अच्छे से आ ही गया होगा. नेक्स्ट आप अपने आप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी है. क्वेश्चन नंबर टू इज़ अरेंज इन कॉलम्स एंड सबट्रैक्ट. इन्होंने आपको बोला हुआ है कि आपको ये जो दो नंबर्स हैं, आपको जैसे ये कॉलम्स में अरेंज करके लिखा हुआ है, आपको वैसे ही लिखना है. कैसे, 3528 फ्रॉम 9000. तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को अपने पहले लिखना है, ऊपर लिखना है, और फ्रॉम से पहले वाली को नीचे लिखना है. माइनस करिएगा इसको, ठीक है. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड लिखना मत भूलिएगा. नेक्स्ट है आपका राइट द सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स फॉर 4516 प्लस 3112 इज इक्वल टू 7628. इस इक्वेशन के लिए आपको दो सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स लिखने हैं. मैंने आपको कल भी बताया था सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स कैसे लिखते हैं. एक डिजिट यहीं रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज़ कॉल्ड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड वाली की एक डिजिट रहेगी लेफ्ट साइड, और दूसरी डिजिट को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, और साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. फिर नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, इस डिजिट को रखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट डिजिट को उठा करके ले जाएंगे राइट हैंड साइड. इस डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो दो सब्ट्रैक्शन इक्वेशंस बन गई हैं, आपके फैक्ट्स बन गए हैं. तो ऐसे ही आपके थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई में अगर आपको प्लस और माइनस दोनों दे दिए गए, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगा देनी है अपने आप ही. जो दो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको छोटे में से माइनस, थर्ड में से माइनस कर दीजिए. जब भी आपके पास प्लस और माइनस दोनों क्वेश्चंस इकट्ठे, दोनों सिंबल इकट्ठे दिए गए हों, तो याद रखिएगा हमेशा क्या करना है आपको, प्लस पहले करना है, ठीक है. प्लस क्या करना है आपको, पहले करना है, माइनस करना है बाद में. तो कोई भी दो डिजिट्स आपको दिए गए हों, उन दोनों को पहले प्लस करिए, जिनके बीच में सिंबल प्लस का है प्लस करिए, जो दोनों को प्लस करके आए उसके बाद माइनस करिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट वन. क्वेश्चन नंबर फाइव हम करेंगे थोड़ी देर तक.